तो आज हम करने वाले हैं और एक लेंस का रिव्यू। तो लास्ट वीक ने हमने किया था ये वाला टेलीफोटो लेंस का रिव्यू, आज और एक लेंस का रिव्यू करेंगे। ये है कासे का सुपर फिसाई लेंस। ये देखते हैं कैसा है आउटपुट, क्योंकि बहुत दिन हो गया फिसाई लेंस का रिव्यू नहीं किया था, तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ ये वाला फिसाई लेंस कैसा रहेगा। तो आज हम करते हैं इसका रिव्यू और देखते हैं पहले इसके अंदर में क्या क्या आ जाता है। इसके अंदर में आता है लेंस और एक यूनिवर्सल क्लिप, और क्या आ जाता है देख लेते हैं। और इसके अंदर रहता है एक यूजर मैनुअल, क्लीनिंग क्लॉथ और एक लेंस का बैग। तो लेंस जो है बहुत ही हेवी है, तो पता चल जाता है कि ये हाई क्वालिटी ग्लास से बनाया गया है और प्लस ये मेटल बेल्ट है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसका ऊपर में और बैक साइड में कवर भी है, जिससे क्या होता है ये आपको प्रोटेक्ट करता है लेंस का ग्लास को। देखिए ये जो फिसाई लेंस है इसका जो ग्लास है बाहर निकला हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए तो बहुत ही प्रोटेक्शन चाहिए। तो ये बहुत ही हाई क्वालिटी वाला रबर वाला एक कैप दिया गया है बोथ फ्रंट और बैक के लिए, और दोनों कनेक्टेड है ताकि ये कहीं खो ना जाए। और इसके पीछे में लिखा हुआ है फिसाई लेंस, इसके अंदर बहुत सारे लेंसेस हैं, लिखा हुआ है कासे का ब्रांडिंग हियर और यहाँ पे 200 डिग्री। तो आज हम करने वाले हैं इस 200 डिग्री फिसाई लेंस का रिव्यू। तो ये वाला जो लेंस है थोड़ा सा कम डिग्री है इसका विड्थ में, पहले जो हम लेंस रिव्यू किए थे कासे का वो 238 डिग्री सुपर फिसाई लेंस था, लेकिन ये जो फिसाई लेंस है इसका 200 डिग्री कर दिया गया है, क्योंकि 238 डिग्री बहुत ही ज़्यादा वाइड होता है और उसमें क्या होता है जो बॉर्डर है बॉर्डर में थोड़ा सा आपको डिस्टॉर्शन मिल जाता है, ब्लरी एज का प्रॉब्लम रहता है। तो कासे ने बोला कि हम 238 नहीं करके 200 डिग्री करेंगे और आपका जो एज में कोई भी डिस्टॉर्शन देखने को नहीं मिलेगा। हम आज टेस्ट कर लेंगे ये कितना वाइड है। इसमें दिया गया है एक यूनिवर्सल क्लिप, जिसका एक यहाँ पे जो आप देख सकते हैं ये एडजस्टेबल वाला थिंग है। तो ये एडजस्टेबल वाला थिंग क्या करता है, आपका जब फ़ोन का जो कैमरा थोड़ा बाहर निकला हुआ होता है, तो ये देखिए यहाँ पे ये है पिक्सेल 8 प्रो, इसका जो बाहर निकला हुआ है आराम से लग जाएगा। तो इसमें कोई भी होल्डर का, फ़ोन होल्डर का ज़रूरत नहीं है जो एपिक्सल का आता है। अगर आपका लेंस का जो मेन लेंस इधर है एज में, या फिर इधर एज है एज में है, या फिर टॉप पार्ट में है, तो क्लिप आराम से लग जाएगा। अच्छा चीज़ होगा अगर आप अपना ये जो कवर है इसको निकाल देंगे, कवर नहीं निकालेंगे तो ये वाला क्लिप और कैमरा के बीच में थोड़ा सा गैप रह जाएगा, तो आपको ब्लैक बॉर्डर का प्रॉब्लम मिल सकता है। मैम तो चलिए बाहर चलते हैं और देखते हैं कैसा आउटपुट आता है इस लेंस से। आउटपुट लेंस का देखिए आपका कितना वाइड आउटपुट दिख रहा है, और मैं ये वन हैंड डिस्टेंस में हूँ, वन हैंड डिस्टेंस, और आप ऐसे टाइप का ब्लॉगिंग कर सकते हैं और बहुत अच्छा आउटपुट आपको मिल सकता है। तो अभी मैं लेंस निकालने वाला हूँ और दिखाऊंगा आपको विदाउट लेंस में कैसा आउटपुट आता है। है विदाउट लेंस में, तो देखिए यहाँ पे पूरा बोर्ड कवर नहीं हो पा रहा। अभी मैं फिसाई लेंस लगा के दिखाता हूँ आपको और पूरा बोर्ड कवर हो जाएगा। ये है विथ लेंस में, ये विदाउट लेंस में, ये विथ लेंस में, मजा आया। तो जैसे कि आपने देखा बहुत सारे सैंपल शॉट्स मैंने ऐड कर दिया है, और ये जो लेंस का क्वालिटी है बहुत ही अमेजिंग है। इसका जो आउटपुट है बहुत ही शार्प होता है और उसका ब्लरी एज का प्रॉब्लम भी और देखने को नहीं मिलता है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको ले सकते हैं
और इसका अगर कंपैरिजन चाहते हैं कोई दूसरा ब्रांड के साथ, वो भी मुझे कमेंट करके नीचे बता सकते हैं ताकि मैं उसके साथ कंपेयर कर सकूं। ये लेंस को हमने टेस्ट किया है पिक्सेल 8 प्रो के साथ और आईफोन 13 प्रो मैक्स के ऊपर लगा के। तो अगर आप चाहते हैं कोई दूसरा टाइप का टेस्टिंग तो मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो लेंस तो बहुत ही ख़तरनाक है, सर्फेस्ट आउटपुट देता है, इसलिए आपका जो कॉस्ट है थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन आपको अगर लो एंड में चाहिए तो एपेक्सल का एक 170 डिग्री वाइड एंगल लेंस मिल जाता है, जो कि जिसका भी आउटपुट बहुत बढ़िया है, लेकिन उसका थोड़ा सा ब्लरी एज का प्रॉब्लम है। अगर आप चाहते हैं एपेक्सल का 170 डिग्री और इसका कंपेरिजन, वो भी मुझे आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, तब मैं आपका वीडियो डाल दूँगा। वैसे फुल लेंथ वीडियो नहीं डालने वाला हूँ मैं, बहुत सारा शॉर्ट्स डालने वाला हूँ, तो जो भी आपका रिक्वेस्ट है वो शॉर्ट के फॉर्म में आएगा। तो चलिए चलते हैं, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीक में हम करेंगे कासे का वाइड एंगल लेंस का रिव्यू। नेक्स्ट वीक मतलब मे बी इन 2-3 डेज में इसका रिव्यू आ जाएगा। मोस्टली अभी छुट्टी है 4 दिन का। हैप्पी नवरात्रि एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।